सो हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? आशा करते हैं सब बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि किस तरह से ट्रेड्स को पोजीशन साइजिंग करना चाहिए। देखिए, आज का मार्केट बहुत अच्छा मार्केट नहीं था, ठीक है। मार्केट ने सुबह में ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, फिर नीचे की तरफ शिफ्ट किया, फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। तो ऐसे मार्केट में किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, एंड ओवरऑल आप अगर कोई पोजीशन ले तो वो पोजीशन अगर फंसते हैं, उस पोजीशन से कैसे निकलना होता है, वो एक टोटली मैथमेटिक्स है। अगर आपका ऑप्शंस को लेकर बेसिक क्लियर नहीं है तब आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शंस में आपको बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी। तो हमेशा मैं कहता हूँ ना कि आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सब कुछ आना चाहिए। तब सॉरी गाइज, आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सब कुछ आना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं, एक ऑप्शंस का प्रीमियम कितना जा सकता है एक्सपायरी के डे में, देन ऑप्शंस का ऑप्शन चेन क्या होते हैं, ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट कितना वोलाटाइल हो सकता है, कितना वोलाटाइल नहीं होगा, कितना डाटा होने पर क्या होगा। तो इन सारे चीज़ जब आपको आएगा ना, तो एक पोजिशन से निकलना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। बट बात घूम फिर के मैथमेटिक्स में आते हैं, क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक्स है, ये ऑप्शन जो है पूरा मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना आपको जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। तो इस वीडियो में हम मार्केट सुबह से लेके पूरा दिन हमने ट्रेड किया आज के दिन, और कैसे क्या ट्रेड किए वो आपको पहले ऑर्डर्स में आप देखो। ये पोजीशन आपको दिख रहा है 3,296 प्रॉफिट है, ठीक है। और ऑर्डर्स में आप देखोगे मॉर्निंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल 9:38 में हमने एक पुट बाय किया था 25,000 का, ठीक है, नॉर्मल में, जिसमें 1,000 क्वांटिटी डाले थे 33 रुपीज़ में, जो कि एक ओटीएम पुट था। वो एक गलती था, ओटीएम पुट, यहाँ पे एटीएम बाय करते तो अच्छा रहता ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद जैसे मेरे को मालूम हुआ कि ये पोजिशन मेरा गलत है, बट हमारा डायरेक्शन सही था। अभी चार्ट में जाके आपको वो भी दिखाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कैसे सही था, बट और क्यों यहाँ पे पुट लेना चाहिए था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर चार्ट, यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट मॉर्निंग ओपन होने के बाद हाई लगाया, बट ये जो हाई था ये वीक हाई था। अब ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर हाई कोई वीक होता है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मार्केट को जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रोके, ठीक है। तो 9:38 में हमने यहाँ पे एक पुट बाय किया, ठीक है। तो हमें लगा कि ये तुरंत यहाँ पे ऐसे करके गिर जाएगा तो हमें एक अच्छा फायदा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरा भी था, ठीक है, तो बट इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा रहा था, 7-8,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था पुट में, तो हमने बुक नहीं किया। हमें लगा कि ये और गिरेगा, इसके यहाँ तक हमारा टारगेट था, बट वहाँ पर जैसे रिवर्स किया उसका प्रीमियम बहुत डीके हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया अब देख सकते हो, उसके बाद हमने, तो जैसे मेरे को डीके दिखा तो वहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल को शॉर्ट कर दिया, 25,500 का कॉल शॉर्ट कर दिया, उसके साथ मैंने हेज कर दिया 25,100 की कॉल को। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन साइजिंग किया, एक पोजीशन को बचाने के लिए दूसरा पोजीशन मैंने क्रिएट किया, वो सेम ही डायरेक्शन में था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को, किस तरह लाइक ए डॉक्टर की तरह, आपके डॉक्टर जिस तरह से अपने पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, इस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए अपने मनी को, ठीक है। अपने मनी मैनेजमेंट को बचाना है आपका फर्ज है, ठीक है। आपके पैसे को बचा के रखना आपका फर्ज है, मार्केट से पैसा लाना आपका फर्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10:35 में मार्केट कहाँ पे था आप देखिए, 10:35 में तो 10:35 में लगभग यहाँ पे था मार्केट। तो 10:35 में हमने अपने सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी नया पोजीशन बनाना है, ठीक है, अभी 10:35 में। उसके बाद 10:42 में हमने फिर से 25,100 का कॉल शॉर्ट किया, देन 25,000 कॉल को बाय किया, देन 10:42 में देन 25,100 कॉल सेल किया, देन 11 o'clock मैंने 24,900 पुट बाय किया, देन 11:06 वही सेम टाइम में हमने एक बास्केट पे ट्रेड डाला था, वही ये चारों बास्केट पे, ठीक है। जब जब बास्केट में ट्रेड डाला तो बास्केट लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर 11:06, 11:06, 11:06 एक ही टाइम में हमने चार ट्रेड डाला। उसके बाद फिर 11:54 में 25,000 को पुट को अगेन बाई किया हमने, 24,900 पुट को शॉर्ट किया, 11:59 में 25,000 कॉल बाय, देन 25,100 कॉल शॉर्ट, ठीक है। ये मैं इस यानी इस पोजीशन को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, देन बास्केट में जाके फिर से बास्केट बनाया 1:17 में। उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट भी दिया, मेरा ये पोजीशन चल रहा है।
जहाँ पे 25,000 का पुट एंड 25,000 कॉल को हमने शॉर्ट किया, और उसको हेज करने के लिए 24,950 पुट को बाई किया एंड 25,050 कॉल बाई किया। वहाँ पे डाटा कुछ इस तरह से बन गया था कि मार्केट को 25,000 के अंदर ही क्लोज करना है, क्योंकि 25,000 में कॉल राइटर एंड 25,000 में पुट राइटर बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से था। देन 3:06 पर मैंने यहाँ पे अपडेट भी दिया, मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है, और मेरा रिस्क मैनेजमेंट में जो था कि मेरा जो हाइस्ट लॉस होने वाला है वो 7 to 8,000 तक आएगा, मेरे को पता था। तो मैंने छोड़ दिया ट्रेड्स को और बाकी ट्रेड कंटिन्यू किया। फिर मैंने 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया था, जहाँ पे मैंने अपडेट दिया था 3:30 को मैं एग्जिट करूंगा, बट मेरे को तो तुरंत याद आया कि मेरा तो पोजीशन जो था इंट्राडे का था, तो मेरे को 3:10 से पहले या 3:20 से पहले मेरे को स्क्वायर ऑफ करना है। तो जिसकी वजह से मैंने 3:03 उठा, उठ के 3:06 जो भी आप दिख रहे हैं वहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया अपने पोजीशन को। तो पोजीशन लेने का एंड पोजीशन को मैनेज करने का ये एक स्किल होता है, ठीक है, वो ऐसे नहीं आता है, उसके ऊपर बहुत मेहनत लगता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के बारे में। अब सिर्फ चार्ट देखा बाई कर दिया, चार्ट देखा सेल कर दिया, तो ऐसे ही मार्केट में आप टिक नहीं सकते। या तो ऐसे डेज को आप अवॉइड करो, देखो कितना भी आप अवॉइड कर लो आप तो एंट्री कर ही लोगे, बट आपका क्या है ना, मार्केट में हमेशा याद रखो, ठीक है, मार्केट में जो पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये स्किल आना चाहिए किस तरह से पैसा बचाना है, साइकोलॉजी को किस तरह से शांत रख के आपको ट्रेड डालना होता है बार बार, ठीक है। कभी कभी आपको स्क्रीन को स्किप करना चाहिए, कब स्किप करना चाहिए, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, तो हर एक चीज़ एक स्किल है, ठीक है। और ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट में ऐसे ही पैसे लूज़ भी करेंगे, पैसा और बहुत ज़्यादा लूज़ भी करेंगे। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, पेपर ट्रेडिंग करिए, ठीक है, स्किल को डेवलपमेंट करिए। तो यही एक जरिया है मार्केट में बने रहने का कि आपको हर एक आर्ट आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से था आज का ट्रेड्स। तो आशा करते हैं ये ट्रेड से आपको समझ में आया है कि इस तरह से मार्केट में फायर फाइटिंग करना पड़ते हैं कभी कभी, अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो आपका फायर फाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फायर फाइटिंग करना, आशा करते हैं इस वीडियो में थोड़ा भी आपको नॉलेज आया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है, तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। और अगर किसी को इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।